आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल बेसिस और स्पेशलिटीज। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका मेटेरियल साइंस, अगर आप पढ़ रहे हैं मेटेरियल साइंस आप समझ रहे हैं तो ये आपको समझने बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी कि एक 3D रिपीटेड अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वहां पर हमने एक चीज बोली थी कि हम कहीं से भी पीस को काटें तो सिमिलर होना चाहिए। अब वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, या ये कहें सिंपल की स्ट्रक्चर कैसे बनता है किसी भी मेटेरियल का, उसको डीप जाने के लिए यहाँ पर हमारी कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को हमको समझना होगा। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, किस किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले कुछ टर्म्स हमारी होती हैं यूनिट सेल, स्पेशलिटीज एंड बेसिस, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशलिटीज की। स्पेशलिटीज क्या होता है, देखिए इस तरह से समझिए कि जब भी आप मैप पढ़ते हो तो मैप में आप कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी लोकेशन कैसे कहां पर है। अगर आप प्लेन में हो, ठीक है, प्लेन से आपको जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, तो प्लेन किस तरह से उड़ाया जाता है वहां पे उनको नहीं दिख रहा होता। ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आप बस या ट्रेन चला रहे हो, आपने माइलस्टोन देखते जा रहे हो, आपको लोकेशन याद है, आप उसके अकॉर्डिंग अच्छा हम मेरठ आ गए, हम दिल्ली आ गए, हम बेंगलोर आ गए, ऐसा हो जाता नहीं होता। अगर आप प्लेन में जा रहे हो, आप शिप में हो, तो वहां पे वो क्या करते हैं, एक रैंडमली चीज डिसाइड करे हुए होते हैं कि हाँ ठीक है इतने नॉर्थ ईस्ट, ये वो, उस तरह से आइडिया लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कोई चीज कहीं पर सिचुएटेड होती है, ठीक, उसी तरह से जो स्पेशलिटीज है वो हमारा वो पॉइंट होता है जहां पर एटम्स हमारे लोकेट करेंगे। यानी ये हमारे उस पूरे मेटेरियल में, ये मान लो हमारा मेटेरियल था, ठीक है, इस मेटेरियल में ये इस पॉइंट पर आपके इस तरह से ये पॉइंट के फॉर्म में आपका है, ठीक है। यानी स्पेस लेटेस हमारी लोकेशन होती है उस एटम्स की जो उस मटेरियल के अंदर उस एटम के लिए फिक्स होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्पेस लेटेस, जो बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि वो पर्टिकुलर एटम कहां पर सिचुएटेड होगा। यानी जब उस मेटेरियल में एटम आएंगे, असेंबल हो रहे होंगे, बॉन्डिंग हो रही होगी, तो वो एटम कहां पर सिचुएट करेगा, कहां पर उसको उसको स्पेस मिलेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, वो आपकी कहलाती है स्पेस लेटिस, ठीक है। अब ये भी आपका दो टाइप का हो सकता है, एक आपका जब दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप जो आपकी डिस्टेंस है वो सेम हो, A is equal to B, या सेकेंड आपका हो सकता है A is not equal to B, ठीक है। केस फर्स्ट जो आपका है वो कह रहा है A is equal to B, और केस सेकेंड आपका हो सकता है A is not equal to B, ठीक है। यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपकी दो तरह से हो सकती है, ठीक है। स्पेस लेटेस आपका दो टाइप से बन सकता है, ठीक, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ए इज इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, दो तरह से हमारा स्पेशलिटीज हो सकता है। अब ये जो हमारे स्पेशलिटीज है, मैंने जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि इनसे हमको ये पता चलता है कि एटम्स कहां पर लोकेटेड हैं। अब अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग मेटेरियल की स्टडी आप कर रहे हो तो आपको इनसे मदद मिलती है उसकी बेसिक स्टडी करने में, उसकी प्रॉपर्टीज जानने में, उसके बिहेवियर को जानने में। और अगर आप उस मटेरियल में फ्यूचर में कोई चेंज करना चाहते हैं, उस मटेरियल में कुछ चेंजेस लाकर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, नया कुछ उसमें करना चाह रहे हैं, जैसे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में बताया था मैंने, एलॉय आप बना रहे हो, कंपोजिट आप बना रहे हो, तो वो सब कैसे पॉसिबल हो पाते हैं, जब आप स्पेशलिटीज की स्टडी किए हो, आपको पता होता है कि एटम्स कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। इसको और अभी आपको बाद में नेक्स्ट टॉपिक में जब आप इम्परफेक्शन पढ़ेंगे तब आपको और इजीली समझ में आएगा मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। फिलहाल आप ये समझिए कि आपके स्पेशलिटीज ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर आपका एटम सिचुएटेड होगा या लोकेटेड होगा,
और ये सिर्फ इसलिए काफी नहीं होते कि उस एटम्स को लोकेशन मिल रही है, बल्कि इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे हमको उस मेटेरियल को जानने में मदद मिलती है। फ्यूचर में अगर हमको कोई नया मेटेरियल बनाना है एग्जिस्टिंग मेटेरियल में कुछ चेंजेस करके, तो भी हमको ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज आती है बेसिस। बेसिस क्या है? बेसिस हमारा है बेसिस, बेस। किस बेस पर आपने ऐसा किया, एक चीज बोली जाती है ना कि आपने ये ऐसा करा लेकिन किस बेस पर किया, तो वही वाला बेस है बेसिस। ये बताता है कि एक स्पेस लेटिस पॉइंट पर कितने एटम लोकेट होंगे। स्पेस लेटिस क्या था, किस पॉइंट पर हमारा एटम लोकेट हो रहे हैं। बेसिस क्या बता रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने एटम लोकेट होंगे। यानी बेसिस हमारा ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम हमारे एक पॉइंट पर, एक स्पेस लेटिस पर, या लेटेस्ट पॉइंट इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, स्पेस लेटिस ये पूरा हमारा हो गया, और अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा कहलाता है लेटेस्ट पॉइंट। तो एक लेटेस्ट पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ एटम हमारे लगेंगे वो डिसाइड करता है बेसिस। यहां पर एक चीज आप मोटी सी ये समझे, परफेक्ट अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, एक लेटेस्ट पॉइंट पर जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो दूसरे लेटेस्ट पॉइंट के इक्वल होंगे। यानी जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर आपके कितने एटम्स आ रहे हैं, कहीं पर कितने आ रहे हैं। परफेक्टली अगर आपका कोई स्ट्रक्चर की बात करी जाती है तो परफेक्ट जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वो कैसे होता है, वो होता है बेसिस पर। मान लीजिए ये हमारे लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस पर अगर हमारा एक एटम लगा हुआ है तो सभी पर क्या होंगे, एक एटम होगा। ठीक है, केस फर्स्ट। ठीक है, सिंगल सिंगल आपका जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, मोनो एटॉमिक। केस सेकंड हमारा क्या होगा कि आपका ये सेम वही आपके लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है, और इस पे क्या लगे, आपके दो एटम लग गए, इस तरह से लग रहे। ठीक है, केस सेकंड, ये हमारा क्या कहलाएगा, डाई एटॉमिक। ठीक है, और थर्ड आपका क्या हो सकता है, ये सेम आपके लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसमें आपका क्या हो गया, एटम्स, नंबर ऑफ एटम ज्यादा लग गए। ये चीज याद रखना, ये आपका केस थर्ड कहलाता है, ठीक है, मल्टी एटॉमिक। लेकिन यहां पर ये आप याद रखना, मल्टी एटॉमिक में भी नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो इक्वल होंगे। यहां पर चार लगाए हैं मैंने, तो अगर चार एटम्स हैं तो सभी में चार होंगे, अगर पांच हैं तो सभी में पांच होंगे, छह हैं तो छह होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम रहेंगे इक्वल, सभी में जितने हैं उतने रहेंगे। केस फर्स्ट था मोनो एटॉमिक, जब हर स्पेस लेटिस पर एक है, ठीक है, डाई एटॉमिक जब दो एटम लगे हैं, मल्टी एटॉमिक जब नंबर ऑफ एटम चार लगे हैं। तो लेटेस्ट पॉइंट हमारा क्या था, या स्पेस लेटेस्ट क्या था, वो पॉइंट जहां पर, या ये कह सकते हो वो लोकेशन जहां पर आपके एटम्स क्या करते हैं, लोकेटेड होते हैं या सिचुएटेड होते हैं, वो हमारा क्या हो गया, स्पेस लेटेस्ट, जो हमारे उस एटम को लोकेशन देते हैं, उसको सिचुएशन देते हैं, उसको एक प्लेस देते हैं जहां पर वो रुक सके, जहां पर वो स्टेबल हो सके, जहां पर वो प्लेस्ड हो सके। बेसिस हमारा वो होता है कि आपके नंबर ऑफ स्पेस लेटेस्ट जो है, या नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट जो है, उन पर एक पूरे स्ट्रक्चर में सभी लेटेस्ट पॉइंट पर इक्वली नंबर ऑफ एटम हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो, वो डिसाइड करता है वो बेसिस। ठीक है, सिंगल हो रहा है मोनो एटॉमिक, डबल हो रहे हैं डाई एटॉमिक, ज्यादा हो रहे हैं तो मल्टी एटॉमिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट सेल। अब देखो, जब
हमारा लोकेशन डिसाइड हो गया, जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स एक लैटिस पॉइंट पर कितने लगने हैं वो डिसाइड हो गया, तो यूनिट सेल क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस एंड बेसिस, ठीक है, इज इक्वल टू यूनिट सेल। स्पेस लैटिस और बेसिस को अगर आप जोड़ देते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप रखते हैं, तो वो कहलाता है यूनिट सेल, ठीक है। कैसे, थ्री डी में मैं आपको दिखा रहा हूं, थ्री डी में जब आप देखेंगे तो जो आपका यूनिट सेल है वो कैसे है, ये एक यूनिट सेल मैंने लिया है, ठीक है, ये पूरा आपका मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे आपके इस तरह से आपको पिछले वीडियो में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बात करी थी। तो जब आपकी बात हो रही है यूनिट सेल की, तो हमने क्या करा, यहां से ये वाला एक पोर्शन, इतना जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला एक पोर्शन कट करा है, ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, इसमें से आपने एक इतना कॉर्नर से एक पीस काट लिया, इकाई, यूनिट सेल मींस इकाई, ठीक है, यानी एक वो कितने भी आपके एमएम में, सेंटीमीटर में, फुट में, किसी में भी हो सकता है, यानी यूनिट सेल आपने ली है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके एटम्स होंगे कुछ इस तरह से आपके एटम्स लगे हुए होंगे, ये आपकी यूनिट सेल है, ठीक है, कट आपने करा है, किस तरह से कट करा है कि ये पूरा आपका स्ट्रक्चर था, इसमें से आपने क्या कर लिया, एक पोर्शन निकाल लिया। अब यूनिट सेल क्या कहती है, आपने पूरा स्पेस लैटिस था, स्पेस लैटिस में आपको पता था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि आपके कहां पर जो एटम्स है वो लोकेट करेंगे। बेसिस क्या कह रहा था, कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आपको कहां कहां पर कितने कितने आपके एटम्स लगने वाले हैं, और मैंने आपको बताया यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस और बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी यूनिट सेल आप जब निकाल रहे हो किसी भी मेटेरियल में से, यूनिट सेल आप लेते हो, तो यूनिट सेल वो छोटे से छोटा पार्ट आपका उस मेटेरियल का होता है जो आपने लिया है, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है उस पूरे मेटेरियल की। जब आप यूनिट सेल ले रहे हो, यूनिट सेल की बात कर रहे हो, तो एक पार्ट है, एक बहुत छोटे से छोटा, सबसे छोटा पार्ट होगा उस पूरे मेटेरियल का, और वो उस ही मेटेरियल के इक्वलेंट रिप्रेजेंट करेगा सारी प्रॉपर्टीज को, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, सारी की सारी जो भी हर एक चीज क्या होगी, वो सिमिलर होगी उस पूरे कंप्लीट मेटेरियल की। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर ब्लड सैंपल आपको कराना होता है, ब्लड टेस्ट आपको कराना होता है, तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरा ब्लड निकाल कर दे रहे होते हो, आप उसमें से क्या होता है, सीरिंज से थोड़ा सा पार्ट ले लो, कुछ यूनिट में आप वहाँ पर ब्लड ले रहे होते हो, तो सेम उस ब्लड से आपका पूरा का पूरा चेकअप हो जाता है कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। सेम चीज आपका क्या होती है कि जब हमको अगर कोई इंस्पेक्शन करना होता है, कोई चेक करना होता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हम ये पता लगाते हैं कि भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेटेरियल की, या अगर फ्यूचर में हमको कुछ चेंज करना है तो हमको पता होना चाहिए, सारा का सारा चीजें जो हम पढ़ेंगे अभी मेटेरियल साइंस में, मेटेरियल्स की जो स्टडी आपको करनी होती है, तो पूरा मेटेरियल आप नहीं ले सकते हो, आप क्या करोगे, कुछ पार्ट लोगे, उस पर स्टडी करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मान लो एक्सीडेंट होते हैं, कहीं पुल गिर गया, कहीं पे कोई बॉयलर फट गया, कहीं पे कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, कुछ भी इस तरह का कुछ भी एक्टिविटी होती है, तो वहां पर मान लो आप क्या करते हो, एक सैंपल लिया जाता है ना, कि ये क्यों गिरा, जैसे फ्लाईओवर गिरा, तो वहां पर पूरा का पूरा फ्लाईओवर लेकर आप नहीं जा सकते हो कि उसकी टेस्टिंग करेंगे क्यों गिरा है, कहां पर क्या कमी है। वहां से क्या होता है, इंजीनियर क्या कर लेते हैं, एक पोर्शन काट लेते हैं, पार्ट काट लेते हैं, और उसको लैब में ले जाते हैं, वहां पर चेक करते हैं। तो सेम आपका ये हो पाता है, क्यों, क्योंकि यूनिट सेल कंसेप्ट आपके पास है, आपको पता है, आपने उस पूरे के पूरे मेटेरियल्स को आप कैरी नहीं कर सकते हो, आपने एक छोटे पार्ट को लोगे और उस पर आप स्टडी कर लोगे, उसी से आपको पता चल जाएगा उस पूरे पीस में क्या था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, स्पेस लैटिस, बेसिस और यूनिट सेल। स्पेस लैटिस आपका किसी मेटेरियल के अंदर किस पॉइंट पर आपका एटम लोकेट करेगा वो कहलाता है स्पेस लैटिस।
बेसिस आपका होगा कि किसी एक स्पेस लैटिस पर, लैटिस पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, ये डिसाइड होता है बेसिस पर। अगर एक एटम जा रहा है तो मोनो एटॉमिक, दो है तो डाई, और अगर ज्यादा है तो मल्टी। दो से ज्यादा होते ही हम सिंपल मल्टी एटॉमिक बोल देंगे, वहां पर फिर हम उसमें नहीं जाएंगे कि तीन है, चार है, पांच है, कितने है। दो तक आप डाई एटॉमिक, अगर दो से ज्यादा जा रहे हैं तो सिंपल आप मल्टी एटॉमिक बोलते हैं। इसके बाद यूनिट सेल आपका क्या है, स्पेसिलिटीज और बेसिस का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है, जो पूरा का पूरा आपका एक कंप्लीट प्रॉपर्टीज या आप कह सकते हो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, या पूरी की पूरी तरह से आप कह सकते हो उस मेटेरियल को रिप्रेजेंट करता है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं।